छुट्टियों में भी ये सब करते हैं तो हमारे पास दिन के साल के 365 दिनों में कोई अवकाश ही नहीं है। हॉलीडे उम्र की एक कुप्रथा है, ये बचपन पे कलंक है। स्वस्थ जीवन के लिए फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, अवकाश बहुत जरूरी होता है। और बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होता है अवकाश, क्योंकि इससे बच्चे ताकि बच्चे खेल कूद सकें और अपने अभिरुचियों में भाग ले सकें। ये उनके लिए स्वर्णिम विकास के लिए मदद करता है। मैं बच्चे के हॉलीडे होमवर्क के जो विरोध में ये प्रदर्शन है उसके बिल्कुल साथ हूँ। बच्चे ने बहुत ही एक साल तक लिखित में सभी जगह जहाँ सक्षम स्तर है, नीति निर्माण होता है, वहाँ पे सभी सक्षम स्तर पे लिखा, चाहे वे एनसीईआरटी के आयुक्त महोदय हो, जिला कलेक्टर, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान के, जो अपने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष हैं, उन सभी को लिखा। और हमने कई रिमाइंडर्स भी दिए, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, हमने मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखा, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, हमने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी और ये जानकारी दी कि हॉलीडे होमवर्क बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है, ये बचपन पे कलंक है। बच्चों के लिए अवकाश उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए। अवकाश से यह सोचना कि गुणवत्ता खराब होगी या उनका जो याद करने का तरीका है वह कम होगा, ये बिल्कुल एक गलत मनोविज्ञान है। जिस तरह से पहले ये कुप्रथा थी कि बच्चों को मारो पीटो और वो ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, उसी प्रकार बिना किसी अवकाश के बच्चों से स्कूल में आने के बाद में भी होमवर्क में रखना और जो उसकी छुट्टियां होती है उसमें भी होमवर्क के लिए रखना, ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण है बच्चों को। यदि आप किसी भी अवकाश के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है आप वो देखेंगे तो पाएंगे कि यदि अवकाश लेने के बाद आप ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आप सामाजिक रूप से अधिक उत्पादक क्षमता आपकी बढ़ती है, आप अधिक सोशल बनते हैं। और बच्चों के ऊपर तो इसके सर्वांगीण विकास के लिए अवकाश की सबसे ज्यादा महत्व है। दो परिभाषाएं नहीं हो सकती कि बड़े लोग तो अवकाश के समय अवकाश लें और बच्चे अवकाश के समय बिल्कुल अवकाश नहीं लें। आप ये देखेंगे कि शिक्षा संस्थाओं में किसी का ध्यान ही नहीं है। विश्व की जो 150 संस्थाएं हैं उसमें भारत की एक भी शिक्षण संस्था का नाम नहीं। ये इसलिए है क्योंकि हम शिक्षा के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा एक पुराना ढर्रा है और हमारी ऐसी परंपराएं हैं, जैसे पहले मारना पीटना बच्चों को सही बताते थे, आखिर इसमें कानून बनाए और इसके ऊपर नियंत्रण हुआ, उसी प्रकार ये हॉलीडे के अंदर बच्चों को लगातार होमवर्क में लगाए रखना और एक पढ़ो पढ़ो की इस तरह की परंपरा विकसित होगी कि बच्चे अभिभावकों के और शिक्षण संस्थाओं के तनाव में आत्महत्या तक कर रहे हैं। आप रोज अखबारों में देखते होंगे, इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि आप उनकी अभिरुचियों को और वो क्या करना चाहते हैं, वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, वो जानना ही नहीं चाहते। तो हमारी यह प्रार्थना है और हम ये चाहते हैं कि हम जो नीति निर्माण संस्थाएं हैं वो स्पष्ट रूप से ये आदेश जारी करें कि हॉलीडे के अंदर बच्चों को किसी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया जाएगा।